फाइनली दोस्तों आज सुबह सुबह आ गए लोग पानी तिलक टर्मिनस जो कि यहाँ से जाती है गांव। तो ये है गांव जाने वाली ट्रेन मुंबई से। तो यहाँ पे हम लोग आ गए टिकट जान लेते वहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते काफ़ी ज़्यादा गर्दी है और टिकट के लिए काफ़ी लंबी लंबी कतार है। तो हम लोग यहाँ से सोच रहे हैं देखते हैं ऑनलाइन टिकट निकालेंगे और फिर यहाँ से फास्ट चलेंगे प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि जो ट्रेन जाने वाली है वो पूरा का पूरा जनरल है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है। तो ऑनलाइन टिकट यहाँ पर निकाल लिए और यहाँ से हम लोग चलते हैं। सामने में लिखा हुआ है जो जो ट्रेन है वो सब की, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं भाई बहुत ज़्यादा गर्दी है। सब अपने अपने सामान वगैरह लेके ट्रेन में जैसे दौड़ रहे, जैसे लग रहा है 1947 की टाइम है भाई। बहुत ही ज़्यादा मतलब बदला कुछ भी नहीं है, जो है सेम है। अंदर देख सकते काफ़ी ज़्यादा गर्दी है, बहुत ही ज़्यादा, अंदर चलने का भी जगह नहीं है। यहाँ पर एक छोटे बच्चे मिले, और यहाँ से हम लोग चलते हैं फिर से लोकल ट्रेन के लिए, और यहाँ पे भी भीड़ है। तो यहाँ से ऑनलाइन टिकट लेके आ गए यहाँ पे लोकल की ट्रेन पे, और यहाँ भी वैसे ही गर्दी है जैसे जनरल में थी। तो मुंबई के लोकल ऐसे ही रहते हैं बहुत ही ज़्यादा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बहुत दिनों बाद सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में जा रहे हैं हम लोग जो कि LTT जो कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस। तो ये देख सकते सनराइज़ हो चुकी है, और यहाँ से लगभग लगभग हम लोग आ गए LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस जो कि मुंबई से काफ़ी ज़्यादा, यहाँ से गाँव सब जाते हैं तो मेन ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से जाती है जो भी गांव जाने वाला रहता है, जैसे कि UP बिहार झारखंड जो भी A to Z। तो ये है लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई की स्टेशन, और यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी पार्किंग है। तो पार्किंग यहाँ पे बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, जो कि 4-व्हीलर 2-व्हीलर के लिए। तो हम लोग अभी टैक्सी मार के आए थे तो यहाँ पर टैक्सी उतार दिए। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं अंदर में। तो हम लोग आ गए जस्ट यहाँ पर 3 गेट हैं जो कि हिंदी इंग्लिश और 2 इंग्लिश में लिखे हुए थे। हम लोग यहाँ से अंदर एंटर करते हैं, और ईद के अभी टाइम चल रहा है, रमज़ान टाइम है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा गर्दी है भाई, बहुत ही ज़्यादा, देख सकते हैं अंदर में। और ये हो गया जो कि टिकट का घर हो गया, जो कि टिकट घर हो गया, और ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अंदर में ना गर्दी है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों हम लोग तो एंटर कर दिए टिकट के लिए। तो भाई आप लोग ना कभी भी आए तो हम आप लोग यहाँ पर टिकट के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्दी रहती है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग कोई भी जो कि लोकल स्टेशन रहती है वहाँ पे आप लोग टिकट निकाल लें गांव वाली, तो निकाल लेंगे वहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी कतार लाइन लगाना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ स्टैचू है जो कि VT स्टेशन का, विक्टोरिया टर्मिनस का, और यहाँ पर कुछ बुद्ध भगवान और भी बहुत सारे हैं, कुछ देवी देवता जो भी होगा। और यहाँ पर देख सकते 7 बजने वाली है, और ये काफ़ी लंबा चौड़ा है स्टेशन, और काफ़ी बड़ा भी है। वैसे तो काफ़ी बड़ा नहीं है, फिर भी गांव जाने वाले काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यहाँ से सब भी जाते हैं जो भी जाते हैं। तो ये है कुछ इस तरह यहाँ का नज़ारा, और देख सकते हैं कितनी गर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्दी है, और इससे ज़्यादा तो और प्लेटफॉर्म पे होगी गर्दी, क्योंकि जो ट्रेन जाने वाली है गाँव उसमें ना पूरा जनरल ही होगी, पूरा जो भी 25-26 डब्बे है पूरा जनरल ही, जो कि अंत्योदय एक्सप्रेस बोलते हैं, जो कि लोकमान्य तिलक टू रक्सौल है, और रक्सौल से फिर लोकमान्य तिलक आके बनती है गाड़ी। तो काफ़ी ये देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा रहता है, और जो भी गाड़ी रहेंगे उसका नंबर और टाइमिंग रहेगा, फिक्स रहेगा इस पर लिखा हुआ। तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, और आप लोग को आगे भी दिखाते हैं चल के। तो आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे देंगे कि जो आप लोग को गाँव जाने के लिए और यहाँ के कुछ नॉलेज दे दें। तो चलो गाइस हम लोग चलते हैं टिकट घर के पास, और टिकट यहीं से होती है, और ये देख सकते पूरे लंबी कतार है भाई। आप लोग को ना प्लेटफॉर्म टिकट भी लेने के लिए बहुत ज़्यादा गर्दी होगी, ये कुछ जो कांच लगे हुए हैं उसके अंदर से बाहर का व्यू है, और ये पूरे जो भी जितने भी दिखाई दे रहे पूरे टिकट के लिए, जो कि गांव जाने एक्सप्रेस का टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट के लिए। तो भाई प्लेटफॉर्म टिकट के लिए भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन रहते हैं। तो दोस्तों इससे बचने के लिए ना आप लोग यहाँ पे EVM जो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लगे रहते हैं, यहाँ से भी आप लोग टिकट निकाल सकते हैं ऑनलाइन। तो सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट ही निकाल सकते हैं ऑनलाइन में, या लोकल ट्रेन के, और यहाँ पर एक्सप्रेस के लिए लाइन ही आपको लगाना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा गर्दी है, तो एक्सप्रेस के लिए आप लोग ऐसे लोकल जो रहता है प्लेटफॉर्म जो भी स्टेशन वहाँ से आप लोग भी निकाल सकते हैं, जंक्शन पे आने से अच्छा रहेगा वहाँ से निकाल लीजिए, कुछ रुपए ज़्यादा लेंगे। चलिए गाइस हम लोग ना यहाँ से फास्ट ट्रैक चलते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट निकालते हैं यहाँ से ऑनलाइन ही, और ऑनलाइन निकाल के फिर हम लोग चलेंगे आगे, क्योंकि हम लोग मतलब लोकल स्टेशन से ही हम लोग एक्सप्रेस का टिकट निकाल लिए थे, जो कि 20 से 30 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं। तो हमने यहाँ से फास्ट ले लिया, यहाँ पर देख सकते LTT, और हम लोग चलते हैं फर्स्ट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एंटर कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सब जन जा रहे हैं अपने अपने, बहुत सी जगह जाते हैं यहाँ से LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस से। तो यहाँ पे सब अपने अपने गांव के लिए रवाना हो रही है, और वैसे भी ईद और होली दोनों हैं तो इसके वजह से। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो होली ये वीडियो कुछ पहले का है, तो अभी एडिटिंग कर रहे हैं इसलिए होली बोले हैं। तो ये देख सकते हैं ब्रिज है जो कि ये चढ़ने वाली है, ठीक है, जो भी है लिफ्ट है अच्छा है, सामान वगैरह नीचे रख दे, और काफ़ी ज़्यादा गर्दी है, देख रहे हैं आने वाले कोई नहीं है, जाने वाले सब फुल है एकदम ओवर,
देख सकते हैं कितने पब्लिक सब अपने अपने बोरा झोरा, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ दिन पहले का, मतलब जैसे कोरोना टाइम में बहुत सारे पब्लिक लोग सब जा रहे थे लेकर पूरा सामान वैसे ही, क्योंकि जनरल है भाई जो भी आते हैं बाहर कमाने वाले तो सब ज़्यादा से ज़्यादा इससे ही जाना जाते हैं, जो कि 500-600 रुपये रहते हैं प्राइस, और काफ़ी लंबा सफ़र जैसे 2000-3000 किलोमीटर की सफ़र होती है, तो ओवरऑल ठीक है क्योंकि सब कमाने ही आते हैं। और ये देख सकते हैं भाई ऊपर ब्रिज पर कितने ज़्यादा है, ये हो गया प्लेटफॉर्म, और ये ब्रिज पर सब वेट कर रहे हैं कि गाड़ी कौन सी प्लेटफॉर्म पर आएंगे, 2 पे या 3 पे या 4 पे या 5 पे, या फिर 5 प्लेटफॉर्म है जो कि किसी पर भी आ जाते हैं, तो ऊपर से सब वेट कर रहे हैं और सब बाकी सब तो प्लेटफॉर्म पर भी हैं। तो चलते हैं हम लोग यहाँ से ब्रिज से नीचे उतरते हैं प्लेटफॉर्म पर और फिर देखते हैं वहाँ से। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह गर्दी की भाई, बहुत ही ज़्यादा खराब है, बहुत ही ज़्यादा भाई, इतनी ज़्यादा है कि भाई आप लोग ना, मतलब आप लोग ऐसे अगर बाहर में आए कुछ दिन तो आप लोग टिकट कटा ले एसी का या स्लीपर का, अच्छा रहेगा, ये जनरल में जाने से बेहतर रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200-400 एक्स्ट्रा लगेंगे लेकिन काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बाथरूम जाने का, निकलने का, पहनने का, मतलब एटीजर खाने पीने सब कुछ का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि जनरल है तो भाई जनरल के हिसाब से सब कुछ रहेंगे। और यहाँ पर पानी पीने के लिए फ्री है जो कि अच्छी बात है, ये नल लगा हुआ है। और ये देख सकते हैं पब्लिक लोग उतर रहे हैं अपने पेटी और बोरा झोरा लेकर जो भी है वगैरह वगैरह, तो अच्छा है ओवरऑल। देखते हैं अभी ट्रेन आ रहे हैं और देखते हैं सीट मिल पा रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाँपना रहता है। और एक बात और बात है कि आप लोग जब भी आए छोड़ने तो आप लोग थोड़ा आए लेके, क्योंकि यहाँ पे झगड़ा भी हो जाती है बहुत ज़्यादा देखते हैं अक्सर, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस हो उसी को लेके आए। और क्योंकि यहाँ पे सीट हाँपना रहता है, चलते ट्रेन में भी सब दौड़ के चढ़ते हैं, वैसे तो हम लोग भी चढ़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। ये देख सकते सब रनिंग कर रहे हैं, ट्रेन आगे जा रहा है, सब जन सामान लेके रनिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे सब अंदर घुस रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है। देखते हैं क्या हो रहा है आगे। तो दोस्तों ज़्यादा ही क्राउड रहता है इसके वजह से रूम पे आके हम आवाज़ वॉइस ओवर कर रहे हैं, वहाँ पे वॉइस ओवर नहीं कर पाए, तो कुछ इस तरह नज़ारा है। और यहाँ से जितना मतलब जितने गांव से आते हैं उतने जन फिर गांव भी जाते हैं, ना जाने इतने पब्लिक कहाँ से आते हैं डेली डेली, हमेशा ऐसे ही कुछ इस तरह अंदर का सीन है, जो कि पब्लिक लोग बैठ गए, जो कि 3 सीट का रहता है तो 4, 5, 6 बैठते हैं, और जो लगेज का जो सामान रखने वाले रहते हैं उस पर भी 4-5 जन बैठ जाते हैं, इतने ज़्यादा पब्लिक रहते हैं। ये देख सकते हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस, और ये प्लेटफॉर्म नंबर शायद कितने हैं, 3 या 4 पे से आए हैं। तो ओवरऑल ठीक है, देखते हैं अंदर था कोई सीट हाँपने वाले तो वही सीट हाँप दिए हुए थे, हम लोग एंटर करते हैं अंदर में और देखते हैं, कुछ गेट पूरा जाम है, कैसे भी अंदर एंटर कर चुके हैं। और ऐसा हालात होता है कि बाथरूम के पास भी पूरा फूल हो जाता है, पैक कर देते हैं सामान रख के, तो बहुत ही ज़्यादा हालात नाजुक रहते हैं जनरल ट्रेन में। ये देख सकते कुछ इस तरह इसमें जाने आने का भी जगह नहीं है थोड़ा भी, देख सकते ऐसे ही सब नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर बैठ जाएंगे, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएंगे, क्योंकि गाँव जाने की खुशी रहता है तो भाई जनरल के दुख दिखाई नहीं देते, गांव की खुशी दिखाई देंगे ना भाई कैसे भी। ये बच्ची है एक पहचान की, और हम लोग सीट उठाप दिए, सामान वामान भी रख दिए, सब कुछ A to Z ओवरऑल। और यहाँ से हम लोग फिर निकलेंगे बाहर, तो कुछ इस तरह है देख सकते हैं अंदर का नज़ारा, काफ़ी ज़्यादा डेंजर रहते हैं 2 दिन के सफ़र, काफ़ी हालात नाजुक से गुजरना पड़ता है जो भी हो गरीब मज़दूर को, तो आप लोग टिकट ही कटा के जाए तो बेहतर रहेगा इससे। ए बेबी क्या कर रही हो, क्या खा रही हो, हाँ ये बेबी बहुत कट सही है ओवरऑल। और यहाँ से कुछ इस तरह नज़ारा है देख सकते हैं अंदर में, 3 सीट पे 5-5, 6-6 बैठे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं बाहर, निकलते हैं बैठा दिए। और यहाँ से हमारे एक दोस्त है फहद जी, और यहाँ से हम लोग चलते हैं रूम पर, लिफ्ट से अभी ऊपर चढ़ रहे हैं ब्रिज पे, फिर ब्रिज से नीचे उतर के बाहर जाएंगे और फिर वहाँ से टैक्सी या लोकल ट्रेन मारेंगे। तो कुछ इस तरह यहाँ का मॉर्निंग टाइम हो गया, लगभग 8 बज चुके हैं 8:30, और चलते हैं हम लोग लोकल ही ट्रेन मारेंगे बाहर निकल के। तो बाहर का कुछ इस तरह व्यू है, नज़ारा काफ़ी शानदार मॉर्निंग टाइम की, यहाँ पे सूरज सनराइज हो चुकी है और ठीक है ओवरऑल सब कुछ ठीक ठाक है। तो यहाँ से दोस्तों चलेंगे लोकल के लिए, तो यहाँ से लोकल जस्ट है थोड़ी ही दूर में, कुर्ला स्टेशन जाना होगा हम लोग को, तो आ गए हम लोग लोकल पे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से तिलक नगर, जो कि तिलक नगर स्टेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा खराब हुए, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टिकट के लाइन लगे हुए, तो हम लोग मशीन से टिकट निकाल लेते हैं स्कैनर करके, क्योंकि यहाँ पर 8:30 हो चुका है और हम लोग को जल्दी जल्दी निकलना होगा। ये 2-3 यहाँ पर तो ख़राब ही है,
और एक दो चालू है, तो ये अक्सर ज़्यादा देखा जा रहा है, ज़्यादा ही रहते हैं। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से, काफ़ी अच्छा है लोकल के लिए, कहीं से भी फास्ट फास्ट मार सकते हैं मैप से और ऐसे भी, तो फास्ट हो जाएगी लाइन लगने से अच्छा है। एक बार में चार टिकट निकाल सकते हैं रिटर्न या सिंगल, तो हम लोग फास्ट यहाँ पे टिकट निकालें, दो टिकट जो कि 5 रुपये है कुर्ला से साइन का, तो हम लोग यहाँ पे स्कैन किए और यहाँ पे टिकट आ गए कुछ इस तरह। यहाँ पे हो गए स्कैन, यहाँ पे बोल जाएगा प्लीज़ कलेक्ट योर टिकट, तो टिकट यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग भीड़ से बच गए और यहाँ पे आ गए लोकल के लिए। ये वही लोकल ट्रेन, इसमें भी वही गर्दी है जो सेम वही गर्दी था जनरल वाली बोगी में। तो भाई यहाँ तो मुंबई है भाई, यहाँ तो लोकल के गर्दी ऐसे ही रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब। ये देख सकते गेट पे पहले से ही लटक के आ रहे हैं, तो हम लोग अंदर एंटर करेंगे कैसे, बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर और देखते हैं क्या हो रहा है भाई। तो इसमें तो बैठ नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि इसमें तो खुद पहले से फूल हो के आ रहा है, तो ऐसे रहता है चार चार पाँच पाँच मिनट में हमेशा। तो दोस्तों कोई ना कोई खाली मिल ही जाएंगे, देखते हैं कोई और ट्रेन का वेट करते हैं। तो हम लोग को आधा घंटा वेट किया तो लगभग कर रहे हैं, 5-6 ट्रेन मिस कर चुके हैं। तो फिर मिलते हैं आप लोग से कोई नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।